समस्तंकु सप्रेम साईराम आसंत सुनिबा आजीर प्रशांति अनुचिंता भगवान का प्रति आमर प्रेम एवं तांक दिव्य अस्तित्व उपरे विश्वास केते दृढ़ रहिबा आवश्यक। भगवान आजी प्रेमपूर्ण भावरे एक उत्कृष्ट उदाहरण सहित आमको अति सुंदर रूपे वर्णना करिछंती। वृक्षर सबुजिमा भितरे थिबा प्राण शक्ति हेउची दिव्य संकल्पर परिप्रकाश जहा एहार चेरगुडी को भूमिर गभीरतम प्रदेश को उठाई थाए। बात्या समय रे चेरगुडी को वृक्ष को दृढ़ भाव रे धरि रखि प्रबल वायु प्रवाह ठारु सुरक्षा प्रदान करिथांती। सेही परि प्रेमर चेर जदि तळकु जाई ता भितरे थिबा दिव्यत्वर निर्झर पाखरे पहुंची जिवो ताहाले कोनोसी कष्ट रूपक बात्या मनुष्य को दोहलाई पारिबो नाही कि अविश्वास भीतर को ठेली देई पारिबो नाही। जे परि किछि चीनी गोटे पात्र रे थिबा जलर प्रत्येक बुंदा को मधुर करि दिए सेही परि प्रेमपूर्ण चक्षु संसारर समस्तंकु आपणार एवं आकर्षणीय करि दिए। गोकुलर सामान्य गोपिका माने परस्पर को श्रीकृष्णक रूप रे देखुथिले ताहा दिव्य अवतारंक प्रति सेमानंकर भाव विहळ प्रेम थिला। भागवत हेउचि दिव्य प्रेम ओ भक्ति उपरे आधारित एक पुस्तक जेउथरे गोपिका एवं अन्य भक्त मानंकर प्रेम विषय रे अति सुंदर रूपे वर्णना करा जायछि। महाभारत पुस्तक रे श्रीकृष्णकर पराक्रम ओ उत्कर्षता विषय रे वर्णना करा जायछि। एही पुस्तक रे धर्म नीति नियम सामाजिक ओ राजनीतिक नियम इत्यादि की परि शक्तिर आधिपत्य द्वारा संशोधन एवं सठिक करा जाई पारे ताहा वर्णना करा जाई छे। आज एही मुहूर्तरु ही प्रेमपूर्ण सेवा आरंभ कर। एहार रोमांच एवं प्रेरणा तुमर प्रत्येक कार्य ओ परवर्ती कार्य पई आग्रह सृष्टि करिवो। उक्त दिव्य संभाषण टी भगवान मे 24 तारीख 1967 मसीहारे समस्तंकु सूचाई देइथिले। कहिबार तात्पर्य प्रेमरु सत्य जात हुए प्रेमरु शांति उत्पन्न हुए तुम पाखरे प्रेम रहिले तुमे अहिंसा को अभ्यास रे परिणत करि पारिबो। प्रेम ही एही सबुर अंतस्रोत अटे। जय साईराम।